हमारे जीवन में बहुत ही काम आता है कि हम हमारे हमें कोई कैसे टच करना नहीं, हमें कैसे कोई छूता है। चाहे ये लड़कियों के लिए भी हो सकता है, ये लड़कों के लिए भी हो सकता है। हम अनुभव करते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, कि हमारे आसपास के लोग हमें किस तरह से हमें टच करते हैं, हमें छूते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले लड़कियों से। क्या आप लोगों को कुछ आइडिया है या कुछ पता है इसके बारे में कि हमें गुड टच और बैड टच कैसे होता है? किसको पता है, खड़ी होकर बताओ। कह सकते हैं किसे हम गुड टच कह सकते हैं? बाहर आके कोई बता सकता है? हाँ हाँ, किनारे हो रहे हैं। कोई बच्चे जिसको मालूम है गुड टच बैड टच क्या होता है? गुड टच बैड टच किसी को मालूम है? हे गुरु जी, मीना मंजू बताइए ना। किसको किसको मालूम है, बुलाइए। ध्यान से सुनो, आपको ऐसे टच करता है, आपके बॉडी को टच करता है, तो ये हाँ सामने आप नर्वस नहीं हो, ये बस मैं सबको बताने के लिए। इनको सिखाया जाता है आपको अंदर से अच्छा नहीं लगा, तो ये हमारे सबके लिए बैड टच हुआ, पता चला। अगर कोई जैसे भाई हो गए या फिर कोई भी अदर के मतलब आसपास के जो लोग होते हैं, लड़कियों को वो क्या करते हैं, इस तरह से टच करते हैं या फिर इधर टच करते हैं, मतलब आपको ऐसा कंफर्टेबल ना फील हो, वो टच आपके लिए क्या होता है? हमेशा बैड टच होता है। गुड टच किसे कहा जाएगा? प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा किया, गुड टच है। और फिर आपको बोला जाए कि बेटा वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर आपके बैक पे कोई आपको प्राउड या कोई आपको थपके देता है, वो अगर आपको ऐसे टच करता है, बैड टच है, लेकिन आपको उसे तबाही करके वो हट जाता है, तो ओके, मतलब ये गुड टच है। और जैसे कि बॉयज हो गए, छोटे छोटे बच्चों को देखा जाए कि कोई बोलता है बेटा आप इधर आओ, तो छोटे बच्चे तो चले जाएंगे कि हमको टॉफी मिलेगा, बट कोई कहता है कि बेटा आप मेरे पास बैठो, आपके पैर पे, हाथ पे, कहीं भी हाथ फेरता है, तो ये क्या है? तो इसको क्या करना है, इसको मना करना है। ऐसा कुछ होता है तो आप बिना डरे अपने पेरेंट्स से कहेंगे, आप अगर पेरेंट्स से नहीं कह पाते तो आप स्कूल में आते हैं, आप अपने दोस्त से कहिए कि वो पर्सन ऐसा हमारे साथ करे, या फिर टीचर से कहिए, जिस पे आपको ज्यादा भरोसा, आप उससे भी बातें क्या कह सकते हैं। छुपाना नहीं है, बात कभी छुपाना नहीं है किसी से। घर पे भी कोई अगर आपके साथ ऐसा सदस्य है जो कि आपके साथ बैड टच करता है, आप अपनी मम्मी को बताएं, अपने बड़ों को बताएं। अगर कोई आपको नहीं सुनता है तो आप अपने टीचर को भी बताएं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, किसी ने नहीं समझा, क्योंकि ये गलत है और गलत सहना भी गलत है। समझे आप लोग? समझे? अगर ये आपके साथ हैं, आपको बोलती हैं कि आप आओ, आपके साथ मिलती हैं, ये अच्छा है। बाकी अगर कोई बॉयज आपको अकेले बुलाता है, आपके साथ बैड टच करता है, तो वहाँ शोर मचाना है। शोर कैसे कि हटो यहाँ से, भागो, मैं अपने फैमिली को बोल दूंगी, अपने परिवार को बोल दूंगी। जैसे कि हमने इनको ऐसे पकड़ा, तो ये भी क्या कहेंगी, हटो यहाँ, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? मेरे साथ ऐसा करना चाहती हो? नहीं यार, मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं? होगी अगर अगर बड़े हो तो दो तीन झापड़ मार दो। अगर आपके पास कोई बड़ा लड़का है, देखिए हमारे समाज में ये कहना है कि बाहरी पकड़ करते हैं। सही बात है, हमारे समाज में ये नहीं है कि केवल परिवार का ही सदस्य शोषण करे, बाहर भी शोषण होता है, और ये नहीं कि अंदर भी शोषण नहीं होता है। हमको अपने घर में बाहर देना है, ये नहीं कि एक लड़की है इसके साथ गलत हो रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, अगर हम इसके दोस्त हैं तो इसके साथ खड़े होंगे। स्कूल में ऐसा कोई गलत करता है तो हम अपने टीचर से बोलेंगे, ये नहीं डरेंगे कि वो हमको बाद में मारेगा पीटेगा डराएगा, ऐसा नहीं करना है। कुछ बातें मैं लड़कों के लिए भी कहना चाहती हूँ। बॉयज में ऐसा होता है, बॉयज में ऐसा होता है कि अभी जब बॉयज बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, गलत रास्ता अपना लेते हैं, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, मतलब मम्मी पापा या पेरेंट्स की बातें ना मानना।
तो बॉयज को ऐसा करना चाहिए कि अगर आपके फ्रेंड या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको गलत रास्ता सिखाता है कि चलो हम लोग आज मतलब सिगरेट पीते हैं या फिर कुछ भी ऐसा पीते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, सख्त मना करना है कि नहीं हम ये चीजें नहीं लेंगे। आपको समझ में आई? किसी को कुछ पूछना है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच कहाँ होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? आप लोग को पता चला कि बैड टच कहाँ टच करने पे उसको बैड टच कहा जाएगा? कोई भी इसमें से सबको पता चला? पता चला?